सो गाइज़, अगर आप भी अपने शॉमी फ़ोन के अंदर में यार पुराने नोटिफिकेशन को देख देख कर जो है बोर हो चुके हैं और आप सैमसंग या फिर रियलमी की तरह कस्टमाइज नोटिफिकेशंस चाहते हैं अपने फ़ोन के अंदर में, तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे ही फीचर जिससे आप अपने किसी भी शॉमी फ़ोन के नोटिफिकेशन को काफ़ी हद तक कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी हैंडी फीचर्स मुझे देखने को मिल जाता है और जो स्क्रीन है वो काफ़ी हद तक नीचे भी आ जाती है। तो इसे बेसिकली कैसे करना है और किस तरीके से करना है आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर के अंदर में चले जाना है और एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है वन शेड कस्टम नोटिफिकेशंस। इसे आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा, तो इस परमिशंस को आप अलाउ कर दीजिए, जैसे एक्सेसिबिलिटी का परमिशन मांगेगा। उसके बाद आपको मोर डाउनलोड सर्विस पर क्लिक करना है, वन शेड नोटिफिकेशन पर टैप करना है और यहाँ से एक्सेसिबिलिटी को ऑन कर देना है और यहाँ से ओके कर देना है। उसके बाद आपको आ जाना है बैक, तो ये जो है ऑन हो जाएगा। एंड दैट्स, उसके बाद जो है यहाँ पर और बैक आ जाते हैं, यहाँ पर राइट का ऑप्शन आएगा, तो इसे भी आपको बेसिकली जो है अलाउ कर देना है और बैक आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशंस का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर वन शेड के नोटिफिकेशंस को जो है अलाउ कर देना है और ये जो है अलाउ हो जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ से भी अलाउ कर देना है। तो ये सारे ऐप को परमिशंस देने के बाद जो है आपका जो है परमानेंटली जो है ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने शो होने लगेगा जैसा कि मैंने स्क्रीन पर दिखाया था। और साथ ही साथ आप जो है यहाँ पर जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि लेआउट को जो है आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप लेआउट के कलर्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आइकॉन्स के शेप कैसे चाहिए, सर्किल ग्रेडियंट्स चाहिए या फिर आपको राउंडेड शेप चाहिए, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, या फिर हेक्सागोन चाहिए, तो कुछ न्यू लुक आपको प्रोवाइड हो जाएगा इस तरीके का आइकन, तो आपका फ़ोन जो है वो देखने में काफ़ी ही कूल लगेगा। मैं फ़िलहाल इसे सर्किल ही रहने देने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको बिग क्लॉक की पोजीशंस क्या चाहिए, सेंटर चाहिए, लेफ़्ट या राइट में चाहिए, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ स्मॉल कॉर्नर्स को भी इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है ब्राइटनेस स्लाइडर हीटर्स भी मिल जाता है और कॉलम ग्रिड्स वगैरह भी है, कुछ पेड वर्जन्स भी है, लेकिन ये में जहाँ पर आपको जो फ्री फ्री मिलता है वो सारा चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कलर्स का ऑप्शन मिल जाता है। अब आप चाहें तो यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि एक्टिव कलर ब्लू है तो यहाँ से आप रेड भी कर सकते हैं, लेकिन ब्लू इसके साथ में काफ़ी मैच करता है तो मैं ब्लू ही रहने देने वाला हूँ। और नोटिफिकेशंस के बैकग्राउंड्स के कलर को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो अगर आपको कुछ और कलर रखना है तो वो भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर और भी सारे ऑप्शन हैं, तो आप इसे भी बेसिकली जो है इनेबल कर सकते हैं और अपने फ़ोन को एक नया लुक दे सकते हैं। दोस्तों, कलर के ही अंदर आपको एक और फीचर मिल जाता है जो मुझे स्पेशली काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर जो है आपको ब्लर बिहाइंड का ऑप्शन मिल जाता है। बेसिकली होता क्या है कि जब आप नोटिफिकेशन पैनल को नीचे करते हो तो पीछे का जो है बैकग्राउंड ब्लर नहीं होता है, लेकिन अगर आप इसे इनेबल कर देते हो और ओके कर देते हो तो अब जब भी यार आप पीछे करोगे और यहाँ पर स्टार्ट नो पर क्लिक कर दीजिए, अब जब भी यार आप नीचे करेंगे तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन काफ़ी ब्लर हो चुकी है और फिर मैं इस तरीके से करूंगा तो ब्लर हो जाएगी। सेम यही फीचर आपकी जो है होम स्क्रीन पर भी वर्क करेगा, तो देख सकते हैं काफी हद तक जो है ब्लर हो गया है और फिर मैं इसे करता हूं तो ये अनब्लर हो जाता है। तो इस तरीके से जो है आप इसको यूज कर सकते हैं अपने शॉमी फोन के अंदर। यहाँ पर हेड अप्स का ऑप्शन मिल जाता है, तो इससे आप अपने नोटिफिकेशन वगैरह को, मैसेजेस वगैरह को काफी हद तक कस्टमाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी है। यहाँ पर आपको बैकअप, रीस्टोर, चूज़ प्रोफाइल पिक्चर्स और कस्टम कैरियर्स, ये सारे ऑप्शंस भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एज ट्रिगर्स का भी ऑप्शंस मिल जाता है, तो यहाँ पर आप एज ट्रिगर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे साइड हैंडल्स पुल डाउन करने के लिए आपको किस तरीके से करना है, वाइब्रेट ऑन टैप होना चाहिए, साइज़ क्या होनी चाहिए, पोजिशंस लेफ्ट राइट स्लाइडिंग की, तो वो सारी चीज़ों का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे चीज़ें यहाँ पर हैं। हेल्पर सेटअप के लिए भी आपके पास ऑप्शन है, तो आप हेल्प भी ले सकते हैं अगर कुछ आपके समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर आप इन्हें मेल भी कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, और इसका प्रो वर्जन भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप अपने फ़ोन को काफ़ी हद तक कस्टमाइज़ कर सकते हैं और काफ़ी ही कूल लुक दे सकते हैं सैमसंग और रियलमी की तरह। सो गाइज, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।